Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो guys, मेरे पे काफी कमेंट आ रहे थे, वीडियोस के नीचे काफी कमेंट आ रहे थे और इंस्टा पे भी चीज को लेके बहुत बात हो रही है कि भाई हमें डाइट के ऊपर वीडियो बनाओ, हमारी डाइट ठीक नहीं है, हम खाते इतना लगता कुछ नहीं है भाई, हम प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, सप्लीमेंट नहीं ले पा रहे हैं भाई, चीपेस्ट फूड बताओ हमें जो स्टूडेंट लाइफ में हम अच्छे से मसल गेन कर पाए और मास गेन कर पाए। तो भाई आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई जितना आप लोगों ने इतना हार्ड बना दिया ना, वेट को गेन करना इतना है नहीं। बहुत इजी शब्दों में मैं बताऊंगा आपको कि वेट गेन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो। वेट गेन चुटकियों में होगा, बस आपको अच्छी से अपनी मील लेनी है और उसके बीच में कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना है जिससे आपका वेट बढ़ने में दिक्कत हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी परेशानी पूरी दूर कर दूंगा जिससे आपका वेट पूरा अच्छे से गेन होगा एक दो हफ्ते में। आज हमारी जो फर्स्ट जो मील है वो 8 बजे है, सुबह 8 बजते ही आपको, मतलब कि 8 बजे के आप अगर सुबह जल्दी भी उठ जाओ तो उठते ही समय पहले आपको 2 गिलास पानी पीना है जिससे आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा और आपको फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद सब में मेन बात आती है कि गाइस बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रेकफास्ट से कोई वेट गेन नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई वेट गेन करने के, अगर आपको मसल गेन करना है, वो वेट गेन करना है, तो भाई आपको सुबह का खाना खाना ही पड़ेगा ब्रेकफास्ट का, क्योंकि हम रात को खाने के बाद इतने घंटे के बाद सुबह उठते हैं और उसमें भी हमें भूख लगती है और आप उसमें भी नहीं खा रहे हो, सीधा खा रहे हो कितने बजे, 11 बजे 12 बजे, तो भाई कहाँ से आपका वेट गेन होगा, घंटा वेट गेन नहीं होगा आपका भाई। तो फिर आप जाके बोलते भाई हम खाते हैं इतना लगता कुछ नहीं है, भाई लगेगा जब ना, जब तुम अपना प्रॉपर तरीके से मील लोगे, प्रॉपर तरीके से मील ले नहीं रहे हो तो कहाँ से लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्रेकफास्ट अपना ज़रूर कीजिए रेगुलर, और सुबह के टाइम मैं बता रहा हूँ सब में पहले उठ के 2 गिलास पानी पियो जिससे आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। वो होने के बाद आपको दलिया लेना है, दलिया में सब में ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। अब ये मत कहना कि भाई दलिया खाने से कुछ नहीं होता है, अरे यार जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, जितने भी बढ़िया मसल गेन वाले बंदे हैं सब दलिया खाते हैं अपनी डाइट में, उनका पक्का डाइट में दलिया होता है और दलिया आपको 10-12 रुपये का 20 का भी पड़ जाएगा, सब में चीपेस्ट फूड है। तो आप दलिया लेकर सुबह सुबह उसे बना के भी खा जाओ, अगर फीका लग रहा तो चीनी डाल के खा जाओ भाई, सब में बढ़िया ब्रेकफास्ट में दलिया लीजिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। दलिया लीजिए और साथ में 2 केले भी ले सकते हो आप सुबह के टाइम, है ना। तो सुबह का तो हमारा ये हो गया ब्रेकफास्ट का, और उसके बाद आप चलते हैं 11-12 बजे करीब। तो गाइस 11 बजे ही आपको अपना मतलब कि जो हैवी मील है वो ले लेनी है, जैसे कि रोटी हो गई, चावल हो गए। गाइस 11 बजते ही आपको रोटी या फिर चावल ले लेने हैं थोड़े थोड़े से, और साथ में कोई सी भी सब्जी ले सकते हो जिससे आपको कार्ब्स भी मिलेगा उसमें, और साथ में आप स्प्राउट ले सकते हो, स्प्राउट सब में बढ़िया है क्योंकि चने हो गए रात में भिगो लो, सुबह आराम से खाओ, उसमें सब में ज़्यादा हाई मतलब जितना हो सके स्प्राउट लीजिए, उससे क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत अच्छे से काम करता है, और साथ में स्प्राउट ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, 50-50 रुपये के आधे आधे किलो आते हैं, ये सब लेके आपका खर्चा ज़्यादा भी नहीं आएगा, करीबन 200-250 तक का खर्चा आएगा, पूरे हफ्ते आपके स्प्राउट भी चलेंगे। तो जितना हो सके स्प्राउट रात में फुला दो, सुबह पूरे दिन आराम से चबाते रहो, वो भी सब में बेस्ट है। तो गाइस 11-12 बजे करीब, अगर आपको 11 बजे खाने का मन करे तो 11 बजे खा सकते हो, नहीं तो 12 बजे भी आप आराम से खा सकते हो। अगर मेरी मानो तो भाई 11 बजे खाओ, क्योंकि 11 बजे खाओगे आप तो फिर लंच फिर कब करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 11 बजे आराम से 2-3 रोटी या फिर जरा सा चावल और जो भी घर में सब्जी बनी हो वो लेके खा लीजिए, आराम से बहुत है उसके लिए। उसके बाद चलते हैं हम लंच टाइम में, अपने लंच टाइम में आप चावल पक्का रखिए, क्योंकि चावल आपके डाइजेस्ट करने में बहुत मदद देता है, क्योंकि आप चावल 1 बजे खाओगे तो 4 बजे फिर से आपको भूख लगेगी, इसलिए जितना हो सके चावल ज़्यादा खाओ दोपहर के टाइम, लंच के टाइम, और जो भी सब्ज़ी आपको मिले वो, और साथ में दही का उपयोग ज़रूर करना, क्योंकि दही हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी को ठंडा करके रखता है, और साथ में दही सही भी रहता है क्योंकि दही अच्छा ही बताते हैं और सस्ता भी आता है, तो जितना हो सके टेस्ट के लिए भी ले ही सकते हो आप लोग। तो शाम के टाइम जब चलते हैं हम लोग अपने प्री वर्कआउट के साइड, जो वर्कआउट से पहले हम कुछ खाते हैं, सब में बड़ी गलती बंदे कब करते हैं कि वर्कआउट से पहले कुछ नहीं खाते, इसलिए जाके फिर जिम में जाके उनसे वेट उठ नहीं रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, भाई अपने प्री वर्कआउट तो अच्छे से लो, क्योंकि वर्कआउट करने से 1-1.5 घंटे पहले हमें अच्छे से कार्ब्स खाना चाहिए, कार्ब्स, क्योंकि कार्ब्स में आप कुछ भी ले सकते हो, अच्छे से खाना वाना कुछ भी खा सकते हो, पर जिम करने से 1 घंटा पहले करनी है ये चीज़ आपको, फिर अच्छे से आप अपनी जिम करिए, जिम करने के बाद जब आपको हो जाएगा तो पोस्ट वर्कआउट में आप अपने प्रोटीन ले सकते हो, अंडे कुछ भी ले सकते हो, और साथ में मैं आपको सजेशन दूंगा
सोया चंक्स आते हैं 20 रुपये के, नहीं 40 के आते हैं सोया चंक्स, हाँ वो आप ले सकते हो, वो आप अपने पोस्ट वर्कआउट में लीजिए, क्योंकि वो बहुत सस्ता भी पड़ता है। और साथ में मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा सोया चंक्स होता कैसे हैं, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि सोया चंक्स हम कौन सा लें, एक बड़े में भी आती है और एक छोटे में आती है, मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन पे दिखा के कि कौन सा वाला आपको लेना है। तो गाइज आप चलते हैं डिनर पे। तो गाइज ये मत समझना कि डिनर पे चिकन ही लेना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं भी हूँ, मैं भी हमेशा चिकन नहीं खाता, मैं भी अपने नॉर्मली जो घर में बनता है वो वेजिटेरियन जो भी सब्जी वब्जी बनती है उन्हीं वही खाता हूँ, साथ में रोटी चावल ये सब। जरूरी नहीं है कि चिकन खाने वाला ही बंदा अच्छे से मास गेन कर पाएगा, जो बंदे प्रेफर नहीं कर पाते हैं वो अपना जो भी घर में सब्जी वब्जी बनती है वो लेके खा सकते हैं आराम से। और जितना हो सके रात के टाइम आप जितना हो सके हैवी मील लीजिए, क्योंकि आपको फिर डाइजेस्ट होने में बहुत अच्छे से मदद करेगा, क्योंकि आप रात को सोओगे फिर सुबह डायरेक्ट भूख लगेगी, इसलिए जितना हो सके रात में अच्छे से अपना मील लेके पूरा अच्छे से खाना खाइए। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप घर के खाने से ही बहुत अच्छे से मास गेन कर सकते हैं, मसल गेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट लेने के बाद ही मसल गेन करो, मास गेन करो, पाउडर खाओ वो खाओ, ज़रूरी नहीं है। आप घर के खाने पे भी बहुत अच्छे से अपना मसल गेन कर सकते हो, मास गेन कर सकते हो। और गाइज हाँ एक चीज़ और, मेरे पे कमेंट में बंदे बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई आपने सप्लीमेंट लिया है, आप नॉर्मल डाइट नहीं रखते हो अपनी, आपने पक्का सप्लीमेंट लिया होगा। भाई मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मैं औरों की तरह नहीं हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक कोई अपनी लाइफ में सप्लीमेंट को हाथ तक नहीं लगाया, ना किसी पाउडर को, जितना है मैंने अपने घर के खाने से ही करा हुआ है जितना है। और जितना और मुझे तीन मतलब कि चार पाँच महीने, मुझे चार पाँच महीने में फ़र्क आया। और गाइस जितने और बंदों को मैंने देखा वो एक महीना मेहनत करेंगे, दो महीने, जब फ़र्क नहीं आता वो छोड़ के बैठ जाते हैं। भाई कभी हार मत मानो, क्योंकि जहां आप हार मानोगे आपकी जीत वहीं से चालू होती है और आप लोग वहीं पे थक के बैठ जाते हो। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आगे बढ़ना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।